हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो है हम रिव्यू करेंगे नीनीला नीनीला, जो कि न्यू तेलुगु और तमिल जो है दोनों में इस मूवी को शूट किया गया था, उसका रिव्यू करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए रिव्यू करते हैं भाई। मतलब 2021 का ना मेरे को सबसे प्यारा लवली, मतलब इतना प्यारा, मतलब इस मूवी में मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि दिल छू लिया यार इमोशनली। मतलब इतना अच्छा, इतना सुंदर मूवी, ऐसा कहानी भाई, कॉन्सेप्ट पूरा हट के, मतलब देखने के बाद आपको बोलोगे कि हाँ मैं जो मूवी देखा यार, हमको लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाला है 2021 का। इस मैटर में इमोशनली चाहे मतलब प्यारा, चाहे डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है इसमें, चाहे उसका स्टोरी राइटिंग है, और सबसे लाजवाब भाई इसमें मेरे को ना इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। राजेश मुरुगेशन दिए हैं म्यूजिक पूरा मूवी में। मेरे को इसका BGM चाहे जो गाना था बहुत प्यारा मेरे को लगा। समझ नहीं आ रहा था लेकिन गाना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका जो BGM होता है ना गाना का, चाहे म्यूजिक, कमाल का लग रहा था। उसके बाद और बात किया जाए भाई यार, इसमें जो नित्या मेनन रोल करती है ना माया का, भाई क्या मतलब। उनका तो मैंने बहुत सारा मूवी में देखा, तेलुगु में देखा, तमिल में देखा, इवन तो हिंदी में रिसेंटली देखा। उनका एक्टिंग का लेवल हर मूवी में मतलब एक अलग अलग लेवल का रहा था। इसमें भाई वो एक्टिंग करते हैं भाई, एक्टिंग तो मतलब खास कर उनका जो ऑडियो सुनिएगा ना तो लगेगा मतलब कि 13-14 साल का कोई बच्ची है, उस प्रकार का ऑडियो उनका लगेगा, और प्यारा सा मीठा सा लगेगा। हिंदी में नहीं, उसका जो रियल है तेलुगु में आप देखिएगा तो मेरे को लग रहा था कोई प्यारा सा बच्ची बोल रही है वैसा। मतलब लाइक ऋतिक रोशन जो किया था ना इसमें, क्या कोई मिल गया हमें जैसे वो बोलता है उसी प्रकार से प्यारा, मतलब और प्यारा लगता है। एक्टिंग उनका लाजवाब है। उसके बाद रितु वर्मा का बात किया जाए तो उन्होंने पूरा मतलब जानदार रोल किया है भाई। उनका एक्टिंग लाजवाब होता है हर मूवी में, और इसमें भी मेरे को बहुत अच्छा लगा रितु वर्मा का एक्टिंग। वो जो है मतलब तारा रहती है, नासर की बेटी रहती है, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। जस्ट सेफ, सभी स्टोरी जो है पूरा सेफ के ही अराउंड घूरता है। एक होटल में मतलब सब सेफ रहते हैं, तो मतलब उसमें मतलब रितु वर्मा काफ़ी अच्छा। और इस मूवी का जान अशोक सेल्वन भाई देव, क्या एक्टिंग किया है बंदा ने। आपको इंटरवल से पहले जब भी आएगा वो आपको चेहरे पे स्माइल दे के जाएगा, मतलब इतना अच्छा एक्टिंग उनका, स्क्रिप्ट राइटिंग बोल दीजिए, डायरेक्शन इतना अच्छा, प्लस उनका एक्टिंग भाई लाइक बहुत हेल्दी, पेट ऐसे निकला हुआ, प्लस में उसको जो है ना उनको सोने का मतलब नहीं, नींद नहीं आता है, उस टाइप का बीमारी है उनका, एक कोई रीजन होगा पता नहीं। जैसे ट्रेलर में देखे होंगे कि उसको उनको कोई खींचता है, लगता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो कमाल लग रहा था देखने में। मतलब इतना अच्छा लवली है स्टोरी। और इंटरवल के बाद जो उनका जब रिवील होता है कि काहे मतलब क्या रीजन है, कमाल लगता है देखने में भाई। नासर का जब नासर मतलब पूरा मूवी में ना भाई, पहला बार तो देख रहे हैं कि लगभग 9.5 मिनट तक इस मूवी में एक वर्ड नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है और मतलब ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आपको 9 मिनट तक शुरू में बिना वर्ड का 9.5 मिनट तक बोर नहीं लगता, थोड़ा सा भी नहीं, मज़ा आता है एक्चुअली में। और नासर भाई उनका पूरा मूवी में जब गुस्सा होते हैं, चाहे स्माइल करते हैं, तो मतलब चाहे तारीफ भी करते हैं, तो एक अलग स्टाइल में उनका मतलब नया रूप मेरे को देखने को मिला है, आँख से ही सब करते हैं भाई। नासर ऐसा एक्टिंग है ना भाई, एक्टर है ना, लाजवाब उन्होंने किया। और इसमें कॉमेडी का जो है, वैसे तो सभी मतलब आपको इसमें कॉमेडी करते हुए लग जाएंगे, लगेंगे कि कॉमेडी हो रहा है, सभी प्यारा प्यारा एक्टिंग करते हैं, लेकिन इसमें सत्या जो है स्पेशल, उनका तो हर मूवी में कॉमेडी करते हैं, इसमें भी आपको दिख जाएंगे। ओवरऑल में मेरे को देखा जाए तो इसका स्टोरी राइटिंग भाई, इसके लिए 100 out of 100 मिलना चाहिए, डायरेक्शन के साथ में BGM और सभी एक्टर का एक्टिंग भी लाजवाब थी, मेरे को बोलना चाहिए। तो इसको अपना मस्ट वॉच है भाई, ज़रूर देखिएगा, आप पूरा परिवार के साथ बैठ के देखिएगा, ऐसा मूवी आपको खुशी ला देगा, चेहरा पे स्माइल ला देगा।
अगर आपने देख रखी है तो कैसा लगा है बताइए कमेंट में।